शारदीय नवरात्र के पहले दिन हल्द्वानी के विभिन्न मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। बेरी पड़ाव स्थित अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में सभी 9 स्वरूप विराजमान हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर आदि महाराज जी ने बताया कि शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इस नवरात्र में माँ की पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माँ भगवती की आराधना का दिन है जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ चार प्रकार की नवरात्रि होती है, एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और दो यहाँ पर गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ जगतदात्री देवी अपने नवों रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग माँ भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है। आज सभी लोग प्रातः उठ करके माँ भगवती के जो चित्र होते हैं उनको साफ सुथरा करके जौ की स्थापना करते हैं और माँ को लाल वस्त्र बहुत पसंद है तो माँ का लाल वस्त्र से श्रृंगार करके फूल माला और धूप दीप से भगवती को नारियल रख करके और जौ बोते हैं हमारे यहाँ पर, तो इस तरह करके भगवती की आराधना की जाती है। और अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अनेकों अनेकों कार्यक्रम होते हैं, माँ भगवती की विधिवत आराधना होती है।